अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल मुर्ग बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। हमने 1.5 कप ऑयल लिया, उसमें हम प्याज डालेंगे 3 अदद दरमियाने, और इसे हम पकाएंगे ब्राउन करने तक। इसे हम पकाएंगे, दोस्तों बहुत ही मज़े की ये बनती है रेसिपी, बहुत ही उम्दा बनती है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसे हम पकाते हैं ब्राउन होने तक, चम्मच चलाते जाएंगे और नॉर्मल आंच पर इसे हम पकाएंगे। ये देखिए जी, हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, हल्का सा और ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा। तो जी ये देखिए, और हम इसके अंदर डालेंगे चिकन 1 किलो। इसे लाइट ब्राउन होने तक इसे हम पकाएंगे। और दोस्तों मैं अपनी फूफू के घर गई थी, तो सोचा यहाँ पर भी मैं वीडियो शूट कर ही लूँ। तो मैं ये बिरयानी बना रही थी, बहुत ही मज़े की सच्ची बनी थी। और आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। ये देखिए जी, हमने चिकन डाल दी इसके अंदर, और ये देखिए लाइट ब्राउन होने से लग गई है ना, इसका कलर चेंज होने लग गया है। और लाइट ब्राउन सा जब इसमें कलर आएगा तो हम लहसुन ऐड कर देंगे इसके अंदर। नॉर्मल आंच पर हमें इसे मसाले को बनाना है। ये देखिए जी, चिकन का कलर चेंज हो गया हल्का सा। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हमने डाला है, 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम। चम्मच चलाएंगे अच्छे से हम। 1 किलो ही हमारे चिकन है और 1 किलो ही हमारे चावल हैं। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। और जी ये देखिए, टमाटर हैं हमारे 3 अदद, और 5 हमारी मिर्ची है, और 1/2 चम्मच या आप चाहे तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं लाल मिर्ची पाउडर के। 1 ही हमने डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। दोस्तों बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनती है, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और ये है हमारा मेहरान का मुंबई बिरयानी मसाला। ये पूरा दोस्तों हम 1 पैकेट इसके अंदर डाल लेंगे, ये देखिए पूरा ऐड करेंगे 1 पैकेट इसके अंदर। अच्छे से चम्मच चलाएंगे, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का इसके अंदर मसाला ऐड कर सकते हैं, या होममेड भी आप बनाकर डाल सकते हैं, वो भी तरीका आपको सिखा दूंगी मैं। और ये हमारे आलू हैं बड़े साइज़ के, सॉरी 5 हैं हमारे आलू, मीडियम साइज़ के या ले लें या बड़े ले लें। तो हमारे 5 आलू हैं ये वाले, अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए जी, अच्छे से हमने फ्राई किया ऐसे, और इसे हम हल्की आँच पर पकाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने 2 चम्मच ज़ीरा, और हमने नमक डाला है हसब ज़ायका, आप चाहे तो ज़ीरा 1 चम्मच भी डाल दें, मैंने 2 चम्मच डाले हैं पर छोटे वाले। अच्छे से चम्मच चलाएंगे, इसे हल्की आँच पर ऐसे हम पकाएंगे, इसका ऑयल ऊपर आ जाए और इसके चिकन और आलू अच्छे से गल जाएं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खुशबू आ रही है अच्छी सी। ये देखिए जी, 4 किलो पानी लेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे इसके अंदर। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा ना दोस्तों, फिर और ये हमने नमक डाला 3 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच नमक के, 1 चम्मच ज़ीरा, हल्का सा ऑयल डाल लेंगे 2-3 चम्मच के हम करीब, ज़्यादा नहीं। और जो दोस्तों विनेगर होता है ना सिरका, वो हम 1/2 चम्मच जो होता है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसे बॉयल होने तक हम इसे पकाएंगे। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनती है, ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसे बॉयल आना शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ज़ीरा की हमें। तब तक हम चम्मच डालेंगे, जो हमारी बिरयानी तैयार, वो बिरयानी का सॉरी मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए चिकन में तकरीबन हमारी गल चुकी है, थोड़ी सी कसर बाकी है। अच्छे से चम्मच हिलाते जाएंगे, हल्की आंच पर पकाते जाएंगे, बीच बीच में ढक्कन दीजिएगा आप लोग, और चम्मच भी हिलाते जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्द से, शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आपको दोस्तों। और ये हमारा पानी साइड पर उबल रहा है, जब हमारा मसाला आधे से ज़्यादा जब तैयार हो जाएगा तभी हम इसके अंदर जो है ना पानी वाला जो सिस्टम है सारा रखेंगे साइड पर हम। और ये देखिए साथ साथ हम ये भी भून रहे हैं,
बहुत ही चीज़ ध्यान से हमें करनी पड़ती है। मसाला जब भुनने वाला ही हो, पकने ही वाला हो, तो हम पानी चढ़ाएंगे, उससे पहले नहीं। ये देखिए ऑयल आना लग गया इसके ऊपर। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, इस रेसिपी को, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है हमारी। इसे अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए जी ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, चिकन हमारी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। चम्मच लाएंगे अच्छे से इसे हम। ये देखिए आंच इसके हम बंद कर देंगे और ये जो हमारे पानी जो उबल रहा था उसके अंदर पूरा 1 किलो हमारा चावल था। 15 मिनट पहले मैंने भिगो कर रख दिया था पानी चढ़ाने से पहले। इसे हम पकाएंगे, जब इसमें सिर्फ एक कनी रह जाएगी तभी इसे हम छानेंगे छन्नी से। और ये देखिए जी बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। चावल हमने डाल दिया है, चम्मच चलाएंगे अच्छे से। ऊपर आया हमारा जो चावल है पानी के अंदर, अच्छे से ध्यान कीजिएगा ज़्यादा ना पक जाए चावल हमारा। और ये देखिए उबाले आ रहे हैं और ज़ीरा के तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए चावल चेक करेंगे हम कितनी कसर बाकी है। और ये जो हमारा विनेगर जो हमने बताया था वो हम डाल लेंगे थोड़ा सा, छोटी आधी चम्मच बस डाल लें, इतना काफ़ी होगा। चम्मच लाएँगे हम। और जी ये देखिए चावल उबल चुका था हमारा, इसे हम छान रहे हैं अच्छे से। और ये देखिए सिर्फ एक कनी जो रहेगी इसके अंदर, और इसे हम तेल लगाते जाएंगे और जो हमारा मसाला था ना दोस्तों वो उसके अंदर डालते जाएंगे हम। ये चावल डाले पहले 1 लिया पूरी, जो हमारी पूरी चिकन का मसाला था 1 किलो चिकन का और आलू का, वो सारा ऐड कर देंगे हम इसके अंदर अच्छे से। इसके ऊपर फिर हम चावल डाल देंगे। देखिए आप गौर से बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। और ये हमारा धनिया और जो हमारी 5 मिर्ची थी, टोटल 10 थी, 5 हमने मसाले में ऐड की और 5 ही हम इसमें डालेंगे बिरयानी में। ये देखिए दोबारा चावल लगा दिए, सिर्फ 1 किलो ही चावल है हमारा उबला हुआ। सिर्फ एक कसर जब रह जाए ना, थोड़ी सी नमी सी रह जाए इसके अंदर, थोड़ी सी कच्चापन थोड़ा सा रह जाए पकने के लिए, तभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे बिरयानी में। इसी वे से बनती है और हम दम पर लगाएंगे। सिर्फ 5 मिनट काफ़ी होगा दम हमारा। ये देखिए बहुत ही मज़े की बिरयानी बन रही है हमारी। और जी ये देखिए हमारी बिरयानी जो बन के तैयार हो गई है, इसे निकाल कर थोड़ा चेक करेंगे कि पक चुकी है कि नहीं। बिल्कुल तैयार है, 5 मिनट सिर्फ लगे हैं और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और ये देखिए हमारी स्पाइसी बिरयानी तैयार है। ये देखिए जी कितना प्यारा खिला हुआ कलर आ रहा है हमारा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की बने। हमें तो घूमने में जाने में बहुत मज़ा आया था, पर बिरयानी खाने में भी बहुत हमें मज़ा आया था। मेरे साथ मेरी फूफो खड़ी हैं और हम दोनों बना रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था बिरयानी बनाने में। और खाई तो वाकई बहुत लजीज थी हमारी बिरयानी, बस 1.5 घंटा लगता है इस बिरयानी बनाने में और बहुत ही मज़े की उमदा बनती है। ये देखिए जी कितने प्यारे हमारे चावल तैयार हो गए, हमारी बिरयानी ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।